बदलेगा, ये कांग्रेस का कब होगा या बढ़ेगा? और इस वक्त आप सीधे रुख करेंगे अपने साथी जैस्मिन का, जो रट जो टीम हमारे वहां पर मौजूद है, रिजल्ट अपडेट टीम। जैस्मिन आपके पास आ रहा हूं मैं, ये बताएं कि रट क्या बता रहा है इस वक्त? विशाल, रट जो बता रहा है वो इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने उस मैजिक नंबर को छू लिया, इन रुझानों में 46 के आंकड़े को टच कर लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए और अगर हरियाणा की बात की जाए तो कांग्रेस शुरू से ही यहाँ पर रुझानों में लीड लिए हुए नजर आ रही है। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं दिखाऊंगी किस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इकबाल हैं जो लगातार रुझानों पर नजर बनाए हुए। इकबाल, जरा जम्मू कश्मीर के रुझान बता दीजिए किस तरह से मैजिक नंबर 46 को छू लिया है हरियाणा को लेके। जम्मू कश्मीर में भी देखिए, जम्मू कश्मीर कई जगहों पे देखिए लीड करें। पुलवामा की अगर हम बात करें, पुलवामा से वहीद रहमान पर्रा भी जो है लीड कर रहा है पीडीपी, हाँ, और वहीं गांधरबल से भी लीडिंग जेकेएनसी के लीड कर रही, वहाँ से मियां, हाँ, गांधरबल अनंतनाग से भी गुलाम मियां अहमद मीर कर रहे हैं। इस तरह से देखिए अभी काफ़ी जम्मू कश्मीर से लीडिंग आ गई है और भी सीटों पे लगातार अपडेट आ रहा है ना। ठीक है, हरियाणा का आप कुछ बता रहे थे, हरियाणा के किस तरह से 55 कांग्रेस और 24 बीजेपी, अभी जस्ट बढ़ा एक नंबर बीजेपी का। अभी देखिए अगर हम बात करें कई सीटों पे, तो अगर चौटाला परिवार की बात करें तो वहाँ से चौटाला के जो सभी जितने भी इनके परिवार के लोग हैं वो सभी आगे चल रहे हैं, चौटाला परिवार आगे चल रहा है। और अगर हम करनाल की 5 सीटों की बात करें तो वहाँ से 3 सीटों पे जो है वो कांग्रेस लीड कर रही है, 2 सीटों पे। लाडवा सीट का क्या हाल है? सीएम सहनी जवाब वहाँ से अभी तक जो है वो लीड कर रहे हैं। सावित्री जिंदल जो है हिसार से लीड कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे हैं। तो इस तरह जो बड़े बड़े आंकड़ा, क्योंकि पहली पिछली बार अगर देखा जाए तो किंग मेकर की भूमिका में थी विशाल जेजेपी, लेकिन इस बार रुझानों में 0 पर ही अभी तक। जी जी, दुष्यंत चौटाला जो है वो अभी ट्रेल कर रहे हैं, कि पीछे चल रहा है अभी तक, तो उनका भी अभी अगर हम जेजेपी के और भी सीटों का भी कोई तक कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, हाँ। ठीक है, यानी अभी अगर हरियाणा की बात की जाए तो मुख्य मुकाबला, क्योंकि इससे पहले भी कहा जा रहा था कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, और जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, इस तरह के जो अनुमान है वो लगाए जा रहे थे, इस तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि वहां की भी बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं और 46 का आंकड़ा, मैं बार बार कह रही हूँ शौकत, 46 के उस मैजिक नंबर को गठबंधन ने छू लिया है। जी, छू लिया है, लेकिन अभी इनिशियल ट्रेंड्स है तो ये इसमें तो वेरिएशन आ जाएगा अभी, लेकिन एज अपना तो छू लिया है। और हमारे पास कुछ बड़े नाम जो है अभी लीड कर रहे हैं, जैसे JKPCC के प्रेसिडेंट तारिक अहमद कराच सेंट्रल शार्टिंग से लीड कर रहे हैं, और AICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद मीर लीड कर रहे हैं डूरू से, फिर उमर अब्दुल्ला लगातार बड़गाम से लीड कर रहे हैं, अल्ताफ बुखारी चांदपुर से लीड कर रहे हैं, तो बड़े नाम अभी लीड कर रहे हैं। और जम्मू में तो बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जम्मू में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जम्मू में भी अगर नौशेरा की बात की जाए, रविंद्र रैना वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ बड़े चेहरे हैं, ताराचंद हैं, वो तमाम चेहरे हैं जो मैदान में हैं, उनकी सीट्स के बारे में कोई अपडेट अभी तक? जी, अभी जम्मू से जो है बड़ा ये है कि रमन बला जो है अभी ट्रेल कर रहे हैं। अच्छा। रमन बला पीछे चल रहे हैं अभी, जो कांग्रेस के जनरल सीनियर लीडर भी हैं। और गुलाम रसूल वानी के बारे में क्या है, क्या अपडेट मिल रही है? गुलाम रसूल वानी के बारे में, उनकी सीट से वो किस तरह से लीड कर रहे हैं? और एक एक और नाम गुलाम, जी गुलाम अहमद मीर क्या बात कर रहे होंगे? गुलाम